नमस्कार, अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और आज की खबरें इस प्रकार से। हरियाणा प्रदेश के 1475 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है सीनियर सेकेंडरी व सेकेंडरी की वार्षिक परीक्षाएं। पूरे प्रदेश से 10वीं व 12वीं के 6,32,000 विद्यार्थी देंगे परीक्षा, यह कहना है बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव का। सोमवार को परीक्षा की तैयारियों को लेकर उन्होंने जिले के विभिन्न विद्यालयों का दौरा किया और अध्यापकों को बोर्ड द्वारा करवाई गई तैयारियों के बारे में बताया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं आज सोमवार से शुरू हो गई। इन परीक्षाओं में 10वीं एवं 12वीं कक्षा के 6,32,000 परीक्षार्थी परीक्षाएं देंगे। परीक्षाओं का संचालन दोपहर 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक किया जा रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने भिवानी जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का दौरा कर परीक्षाओं के संचालन का मुआयना किया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 27 मार्च तक चलेंगी। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने परीक्षा केंद्रों का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सर्वप्रथम बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं दे रहे परीक्षार्थियों को बेहतर परीक्षाएं देने की शुभकामनाएं दी और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वर्ष भर छात्र छात्राओं ने बेहतर तरीके से तैयारी की होगी और इसी तैयारी को वे परीक्षा में परीक्षा के दौरान जाहिर करेंगे। उन्होंने बताया कि इन परीक्षाओं में प्रदेश भर में कुल 1,475 परीक्षा केंद्रों पर करीबन 6,32,000 परीक्षार्थी परीक्षाएं दे रहे हैं। परीक्षाओं में नकल रहित संचालन के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा CCTV कैमरों व कंट्रोल और कमांड सेंटर के माध्यम से नज़र रखी जा रही है। पूरे प्रदेश में 7 सेंटर्स विभिन्न जिलों में बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि बोर्ड इतिहास में पहली बार परीक्षाओं में QR कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि परीक्षाओं को नकल रहित संचालित करवाया जा सके। कुछ नहीं है, बस एग्जाम की अच्छी तैयारी है, बस थोड़ा नर्वस हूँ एग्जाम की वजह से, बाकी सब ठीक है। किस का पेपर है आज? आज कंप्यूटर साइंस का पेपर है। और आज मेरा कंप्यूटर साइंस का पेपर है। किस चीज का पेपर है? कंप्यूटर साइंस का पेपर है। क्या तैयारी है, किस प्रकार की तैयारी है? आज अच्छी तैयारी है, पेपर हो जाएगा अच्छा। और सेंटर में आए हो, किस प्रकार की तैयारी लगी? कई बार लगता है कि सही अच्छा है, मतलब ये हो जाएगा पेपर। जी सर, आज से परीक्षाएं शुरू हो गई। अभी मैंने TIT सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी के परीक्षा केंद्र का अवलोकन किया है और देखा कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर हर कमरा जो है, परीक्षा का जो रूम है वो पूरी तरह से कैमरा की निगरानी में है और रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। और साथ में ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है उससे हर CCTV कैमरा जहाँ जहाँ पर हैं उन सबको हमने जोड़ दिया गया है। तो इससे पूरी तरह से हरियाणा के अंदर पूरी निगरानी रखी जाएगी और आज हम परीक्षा का शुभारंभ कर रहे हैं। सभी परीक्षार्थियों को मैं बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो उनकी परीक्षा अच्छी हो और उन पे सभी सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी के मिलाकर उन परीक्षा केंद्रों पे परीक्षाएं होंगी। और कुल विद्यार्थी 6,32,000 विद्यार्थी जो है 10वीं और 12वीं के मिलाकर इस परीक्षा के अंदर सम्मिलित होंगे। सोमवार को प्रदेश के कृषि मंत्री JP दलाल ने PCCAI और DCCI के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 3 मार्च से 5 मार्च तक भारत व नेपाल के दिव्यांग खिलाड़ियों के बीच होने वाली कैप्टन करण सिंह दलाल मेमोरियल क्रिकेट T20 कप 2023 की ट्रॉफी का अनावरण किया। वहीं उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में दिव्यांग खिलाड़ियों के बीच रोचक मुकाबले होंगे। कृषि मंत्री श्री JP दलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हैदराबाद में 2020 मुकाबले के बाद भिवानी के 3 से 5 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय टीम भारत और नेपाल के बीच स्वर्गीय कैप्टन करण सिंह दलाल मेमोरियल कप 2023 का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें भारत और नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शिरकत करेंगे। यह प्रतियोगिता भिवानी से हांसी मार्ग पर स्थित जे लिट्रा वैली मैदान में होगी। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक होगी। इस दौरान PCCAI के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया एवं DCCI महासचिव रवि चौहान ने बताया कि दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारते हुए समय समय पर इस प्रकार के प्रतिभा और मुकाबले आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि 3 से 5 मार्च तक स्वर्गीय कैप्टन करण सिंह दलाल के जयंती उत्सव को लेकर यह बड़ा टूर्नामेंट भारत और नेपाल के बीच करवाया जा रहा है। उनका कहना था कि भारत की टीम में देश भर से चयनित खिलाड़ी लिए गए हैं और इस बड़े मुकाबले के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं खिलाड़ियों के लिए की गई हैं।
ये PCCI द्वारा ये बहुत अच्छा एक प्रयास है। इसके द्वारा इन्होंने काफ़ी सालों से ये दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते रहे हैं और चाहता हूँ कि आगे भी इसी तरह प्रोत्साहित करें। ये ट्रॉफी 3 मार्च से 5 मार्च तक ये टूर्नामेंट चलेगा और इसमें भारत और नेपाल के बीच में मैच होंगे, तो हम चाहते हैं इसमें भारत और भिवानी के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले। श्री JP दलाल जी ने यहाँ ट्रॉफी का अनावरण किया है जो कि 3 मार्च से 5 मार्च तक भिवानी के जीली ट्रायल वैली क्रिकेट ग्राउंड में भारत नेपाल के बीच दिव्यांग T20 टूर्नामेंट होने जा रहा है। हमें बहुत खुशी की बात है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके माध्यम से अब की बार बहुत ही ज़्यादा पब्लिक ग्राउंड में पहुँचेगी और मैं सभी मीडिया साथियों से और सभी भिवानी वासियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन दिव्यांग खिलाड़ियों का जो एक हाथ से खेलते हैं, एक पांव से चौके छक्के मारते हैं, इनका गेम देखने ज़रूर आए। ये टूर्नामेंट 10 बजे से 2 बजे तक जी लिट्रा ग्राउंड में होगा। सभी टीमें 2 तारीख को आ जाएगी। 2 तारीख को हम रेलवे स्टेशन पे गोरखधाम से जो गोरखपुर से ट्रेन आती उसमें हमारे नेपाल के खिलाड़ी आएंगे तो हम उनका वहाँ वेलकम करेंगे। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारा साथ दें और वहाँ स्टेशन पर भी पहुँचे। व्यवस्थाएँ किस व्यवस्था की हुई है जिसमें लिफ्ट भी लगी हुई है और सभी AC रूम तो है ही, साथ में हमें इसमें स्विमिंग पूल भी है ताकि खिलाड़ी अपनी थकान इसमें मिटा सके। उसको अपनी मर्जी से वो कहीं से भी ट्रैक्टर खरीद सकता है। एक सर्टन हॉर्स पावर रखिए, इससे बड़ा होना चाहिए, किसी दुकान से किसी ब्रांड का खरीदे, उसके खाते में हम 3 लाख रुपए डालते हैं। तो इसकी पिछले दिनों हमने TTC के अंदर हिसार के ज़िले की लॉटरी निकाल दी थी, आज भिवानी ज़िले की लॉटरी निकाल देंगे, बाकी पूरे प्रदेश की लॉटरी निकाल देंगे। भिवानी ज़िले के अंदर भी 50-52-53 ट्रैक्टर जो है SC कैटेगरी के भाइयों को जो ये मिलेंगे सब्सिडी पर, और बहुत सारे हजारों करोड़ रुपए की सब्सिडी हम किसानों को दे रहे हैं मशीन पर, जो माइक्रो इरीगेशन पर, टैंक बनाने पर, और तरह तरह की सुविधाएं दे करके कोशिश ये हो रही है कि हमारा जो ग्रामीण भारत का आम नागरिक है, चाहे वो किसान है, चाहे कोई भेड़ बकरी पालने वाला है, कोई डेयरी करने वाला है, कोई मछली पालन करने वाला है, उसको गांव के गांव में उसके रोज़गार मिले, उसकी आमदनी बढ़े। और इसी दिशा में केंद्र का बजट आया था, इसी दिशा में हरियाणा का बजट आया है। केंद्र का कृषि का बजट जब से मोदी जी आए हैं 5 गुना बढ़ चुका है, हरियाणा का कृषि का बजट भी मनोहर लाल जी की सरकार 8 साल में 5 गुना बढ़ चुका है। और एक जो बड़ी समस्या थी जो बेसहारा गौवंश था, उसको भी हम गौशाला में ले जाएंगे। मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि 40 करोड़ रुपए से सीधा उसको गौ सेवा का बजट 400 करोड़ रुपए कर दिया है, ताकि एक ये जो समस्या है सड़कों पर बेसहारा गौवंश है, इसको भी हम गौशाला में लेके जाएंगे। और हमारा मकसद ये है कि किसानों की सेवा करें, उनके लिए अच्छी अच्छी नीतियाँ लेके आएँ, और हरियाणा प्रदेश पूरे देश में सबसे अच्छा किसानों की नीतियाँ लेके आने वाला प्रदेश है। और सबसे ज़्यादा जो बड़ा मुद्दा है इस वक्त जल भराव का है, 1200 करोड़ रुपये उसके मंजूर किए हैं। हमारे ये गांव है मुडाल, तालू, नराना, और उसके ऊपर जो बास पेटवाड़ का सा है उधर से बहु अकबर तक का इलाका है, इसकी सारी जल भराव की जो समस्या है इसको ख़त्म करेंगे। और सेम का इलाका है, बहुत सारे किसानों के खेतों में सेम आ गई है, बिजाई कर ही नहीं पाते। पहली बार हमने पिछले साल 25,000 एकड़ की सेम तोड़ी है, ट्यूबल लगा लगा के पानी खा रहा और नालों में डाल डाल के 1-2 मीटर पानी नीचे चला गया, उन्होंने खेती की है। और इस बार जो है 50,000 एकड़ के अंदर हम सेम तोड़ेंगे और आने वाले 3-4 साल।
गांव दुल्हड़ी के अतिरिक्त गुरुग्राम व भिवानी में चला चुके स्वच्छता अभियान के युवाओं को मिली नई पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के तहत विशेष रूप से इन युवाओं का किया जिक्र, जो हम सब के लिए है अत्यंत गर्व की बात। वहीं स्वच्छता अभियान में भाग लेने वाली ये सभी युवा अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत अभियान को पूरा करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया स्वच्छता अभियान भिवानी जिले के दुल्हेड़ी गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा बना, जिसके चलते इन युवाओं ने न केवल अपने गांव बल्कि भिवानी शहर की सफाई का बीड़ा भी उठाया। उनके द्वारा किए गए इस कार्य की प्रशंसा मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुल्हेड़ी गांव के युवाओं की प्रशंसा करते हुए मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से कहा कि हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले के गांव दुल्हेड़ी के युवा स्वच्छता एवं जनसेवा समिति ने शहर व गांव में टनों कूड़ा उठाकर स्वच्छता की मिसाल कायम की है। ये युवा सुबह 4 बजे ही स्वच्छता के लिए टोलियां बनाकर निकल लेते हैं और अपना कार्य बखूबी निभाते हैं। भिवानी जिले के गांव दुल्हेड़ी के युवा स्वच्छता एवं जनसेवा समिति के अध्यक्ष पवन सैनी ने बताया कि लगभग 3 साल पहले उनकी संस्था ने स्वच्छता का कार्य अपने गांव से ही शुरू किया था। उनके गांव के लगभग 60 युवाओं की टीम अपनी सफाई की ड्रेस में उनके गांव दुल्हेड़ी भिवानी शहर व गुरुग्राम शहर की सफाई भी कर चुके हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 1 अगस्त से 15 अगस्त तक उनकी समिति ने गुरुग्राम में भी सफाई अभियान चलाया था। स्वच्छ भारत अभियान ने हमारे देश में जन भागीदारी के मायने ही बदल दिए हैं। देश में कहीं पर भी कुछ स्वच्छता से जुड़ा हुआ होता है तो लोग इसकी जानकारी मुझ तक जरूर पहुंचाते हैं। ऐसे ही मेरा ध्यान गया है हरियाणा के युवाओं के एक स्वच्छता अभियान पर। हरियाणा में गांव है दुल्हेड़ी, यहाँ के युवाओं ने तय किया हमें भिवानी शहर को स्वच्छता के मामले में एक मिसाल बनाना है। उन्होंने युवा स्वच्छता एवं जनसेवा समिति नाम से एक संगठन बनाया। इस समिति से जुड़े युवा सुबह 4 बजे भिवानी पहुंच जाते हैं। शहर के अलग अलग स्थलों पर ये मिलकर सफाई अभियान चलाते हैं। ये लोग अब तक शहर के अलग अलग इलाकों से कई टन कूड़ा साफ कर चुके हैं। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण आयाम वेस्ट टू वेल्थ भी है। ओडिशा के केंद्र मैं युवा स्वच्छता जनसेवा समिति का सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरे छोटे से गांव का नाम राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जो गुणगान किया है उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और रही बात सफाई की, क्योंकि हमारे गांव में साफ सफाई का जो काम हम 3 साल से लगातार करते आ रहे हैं, और मैं मेरे साथी जो मेरे पीछे खड़े हैं सभी का इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने 3 साल तक इतना सहयोग किया है उसके लिए इनका जितना आभार व्यक्त किया जाए उतना कम है। गांव दुल्हेड़ी के युवा साथियों द्वारा ये जो एक छोटा सा कारवा, छोटी सी शुरुआत करके बड़ा कारवा जो स्थापित किया गया, और इसके बारे में आज श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मन की बात में इसका गुणगान किया गया, इससे आज हमारे युवाओं का हौसला बहुत अप हुआ है। जिससे मेरी रुचि हमेशा सामाजिक कार्यों में रही है। मैं हमेशा प्रतिदिन अपने विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों को इसी प्रकार की शिक्षा देता हूँ, और जब मेरे काम को पवन सैनी प्रधान ने देखा तो इन्होंने मेरे से एक मुलाकात की और बताया कि सर आप कैसे करते हैं। तब मैंने इनको बताया था कि आप भी यदि कोशिश करें तो 1 से 2 और 2 से 100 हो सकते हैं। फिर पवन सैनी ने कोशिश की, इन्होंने अपनी टीम का गठन किया और आज ये इस मुकाम पर पहुंच गए कि इनकी राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान है। ये दिन प्रतिदिन दिन रात कुछ नहीं देखते, और जब भी कोई काम होता है, कोई सामूहिक काम है, तो ये सारी टीम एक आवाज़ में इकट्ठी हो जाती है। और मेरे को तो बड़ी भारी बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे गांव की एक पहचान राष्ट्रीय स्तर पर है। भिवानी का जो इसमें जिक्र आया है मन की बात में, वो हमारा दुल्हेड़ी गांव के नौजवान हैं और वे शहर में जाकर रातों रात सफाई करते हैं। 4 बजे उनकी सफाई का कार्यक्रम शुरू होता है और 2-3 घंटे वे जम के सफाई करते हैं। उनकी सफाई में एक आत्मीय स्वभाव के गुण होते हैं, वे गुण देखने को मिले कि इस प्रकार से लोग यहाँ भी काम कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों किसी और संस्था के माध्यम से भी भिवानी शहर का काम हुआ और अब दुल्हेड़ी का काम भी
बड़ी बखूबी वे लोग शहरों में जाके कर रहे हैं। मोदी जी का जो नारा दिया है उन्होंने, वो युवाओं को प्रोत्साहित करने वाला, खेल के प्रति लगन रखने वाला और समाज के अंदर जो भी बातें होती हैं, जो भी हमारे कलाकार पनपते हैं, उन सब को लेकर आगे बढ़ने का और समाज को उनके साथ साथ चलने का एक विशेष उन्होंने आज आग्रह किया है। और हम ये जानते हैं कि जिन बच्चों ने, जिन नौजवानों ने सफाई का अभियान चलाया है, उनका सफाई का मिनी क्यूबा के नाम से विख्यात भिवानी के खिलाड़ियों ने इंडो नेपाल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भाग लेकर गोल्ड मेडल प्राप्त करके भिवानी का नाम एक बार फिर से रोशन किया है। सोमवार को इन विजयी बच्चों के भिवानी पहुंचने पर खेल प्रेमियों व उनके परिजनों के द्वारा उनका फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत किया गया। इंडो नेपाल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भिवानी छोटी काशी मिनी क्यूबा के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से अपना परचम लहराया। इन खेलों में विभिन्न प्रतियोगिताओं में भिवानी के बच्चों ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया और भिवानी पहुंचने पर खेल प्रेमियों और बच्चों के परिजनों ने बच्चों को फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मौजूद सभी लोगों ने कहा कि इन बच्चों ने काफ़ी मेहनत की और अपनी मेहनत के दम पर गोल्ड मेडल हासिल किया और आने वाली प्रतियोगिताओं में भी इन बच्चों से यही उम्मीद है कि इसी प्रकार का अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे और भारत के लिए और भी गोल्ड मेडल जीत कर आएंगे। भिवानी हरियाणा से टीम गई थी नेपाल पोखरा खेलने के लिए, उसमें हरियाणा की टीम बहुत अच्छी रही। उसमें अमर ने 1500 मीटर में फर्स्ट पोजीशन बेस्ट टाइमिंग में और विक्रम ने फर्स्ट पोजीशन 1500 मीटर में बेस्ट टाइमिंग में निकाली उसने भी, और शुभम ने 400 मीटर में फर्स्ट पोजीशन। लॉन्ग जंप में तीन गर्ल्स थी, प्रिया, पूर्वा और वंशिका, तीनों की फर्स्ट पोजीशन रही उसमें भी। आगे बच्चों से उम्मीद है कि वो भी आगे इससे भी अच्छा करे और भी बेस्ट रहे इनसे भी। कितने देशों की टीम ने इसमें भाग लिया? यहाँ से थाईलैंड की थी और उसमें दुबई की भी आए हुए थे दो तीन प्लेयर, और अपने हरियाणा से भी और भी प्लेयर गए हुए थे और नेपाल के बच्चे थे वहाँ पे। मैं महावीर सिंह जी, 21 नंबर वार्ड से पार्षद, ये मेरी कॉलोनी के जागृति कॉलोनी के जो अमर लड़का है ये 1500 मीटर में फर्स्ट वो मेडल लेके आया है, गोल्ड मेडल। मैं इन बच्चों से ये उम्मीद करता हूँ कि ये आगे भविष्य में भी अच्छा खेलेंगे और अच्छा करेंगे। अब जो ये नेपाल में जो ये गेम करके आए हैं, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है, इनने हरियाणा का नाम किया है, हिंदुस्तान का नाम किया है, इन बच्चों पर बड़ा गौरव है हमें। मेरा नाम राजवर्धन है, मैं अमर का पापा हूँ, और बच्चा शुरू से ही बहुत मेहनत कर रहा था, जिसके लिए हम भी इसकी कोशिश कर रहे हैं। अब ये नेपाल खेल गया है और वहाँ से 1500 मीटर में गोल्ड लेके आया है। अंतर्राष्ट्रीय गेम था, मैं हरियाणा के खासकर है तो टोटल इंडिया के ही, लेकिन हरियाणा के बहुत बढ़िया अपने 7 मेडल लेके आए हैं। गरीब और आमजन की हितेशी है केंद्र व प्रदेश की सरकार, यह कहना है प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल का। सोमवार को स्थानीय पंचायत भवन में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 54 ट्रैक्टर्स का किसानों के लिए ड्रा निकाला। वहीं उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश से अनुसूचित जाति के किसानों के लिए निकाले जा रहे 660 ट्रैक्टर्स के ड्रा में करीब 20 करोड़ रुपये की सब्सिडी उन्हें प्रदान की जाए। कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल सोमवार को स्थानीय पंचायत भवन में ट्रैक्टर्स का ड्रॉ निकालने के दौरान किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संसद के समक्ष माथा टेक कर कहा था कि उनकी सरकार गरीब व्यक्ति के लिए समर्पित है। उनका कहना था कि सरकार हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है। उन्होंने बताया कि विशेषकर अत्यंत गरीब लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाया जा रहा है। गरीब लोगों के चिरायु कार्ड बनाए जा रहे हैं ताकि वे 5 लाख रुपये तक निःशुल्क इलाज करवा सकें। इससे प्रत्येक गरीब को राहत की सांस मिली है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग का बजट बढ़ाया गया है और प्रदेश में 1200 करोड़ रुपए जल भराव की समस्या के लिए समाधान के लिए मंजूर किए गए हैं। प्रदेश में 25,000 एकड़ कृषि योग्य भूमि का सेम निजात से दिलवाई गई है और अब मौजूदा वित्त वर्ष में 50,000 एकड़ सेम ग्रस्त भूमि को
कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किए गए हैं ताकि गरीब आदमी 1,60,000 रुपये का ऋण बिना किसी सिक्योरिटी के ले सके। पशुओं के उपचार के लिए विशेषकर 200 एम्बुलेंस गाड़ियां चलाई जाएगी जिन्हें 112 की तरह से नंबर दिया जाएगा। पशुपालक द्वारा फ़ोन करते ही एम्बुलेंस मौके पर जाएगी और पशुओं का उपचार करेगी। इसका सारा रिकॉर्ड मुख्यालय स्तर पर भी दर्ज होगा। आप उस ट्रैक्टर के साथ अच्छा जुताई करो, कमा के खाओ, अपने घर में काम लो या बच्चे में लगाओ, अच्छे आदमी एक तरह से रोजगार हो जाएगा घर बैठे। यही कोशिश है और इसी कोशिश में यह है कि जो कमजोर तबका है उसको ऊपर उठावा। हाथ जोड़ के हम से प्रार्थना करते हैं भगवान हमारे साथ, कमजोर तबका हमारा देश एक जैसा हो, बगैर भेदभाव के आगे बढ़े, कोई छोटा बड़ा ना हो, सबके बराबर की इज्जत हो, सबका बराबर का हक हो, इस भावना से हम काम करते हैं। और आज लंबा थोड़ा भाषण की बात नहीं है, अब जिस भाई का भाई देख लगड़ा होगा उसको बधाई न लगने का हम कुछ कर नहीं सकते। और ये जो कंप्यूटर से निकाल रहे हैं, किसी भाई को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, 1% भी किसी तरह जो कंप्यूटर करेगा कर देगा। पहले तो ये कहते ढोल में तो पर्ची काटे उसमें 1.5 घंटा लगना था, यो 1 मिनट में काट देगा। हमारी तरफ से सारे भाई बराबर हैं, जिसने 1,000 आदमी ने फार्म पर रखे हैं, कोई भी किसी तरफ से किसी अधिकारी को बोल रखा है कि जो ईमानदारी से काम हो वो करते जाओ और जिस भाई का किस्मत हो उसका निकला होगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत डायरेक्ट आ रहा है तो बड़ा शुभ दिन है। तो प्रक्रिया मैं समझाता हूँ कैसे क्या है। इसमें भिवानी जिले में टोटल अप्लीकेशन हमारे पास आई है 1,050। सभी किसान भाइयों से आवेदन मांगे गए थे हमने सरल पोर्टल पर, किसी भी ऑफिस में कार्यालय में न चक्कर काट कर अपने घर बैठ के सभी किसानों से आवेदन मांगे, घर पे बैठ के फार्म भरो। 1,050 किसानों ने आवेदन किया है घर बैठे, और उनका सरल पोर्टल से हमारे विभाग की वेबसाइट पर वे सारी लिस्ट ट्रांसफर होगी निदेशालय स्तर से। ये ड्रा का प्रक्रिया जो ये तैयार की है, इसकी हमारे पास सिर्फ चाबी है लॉक खोलने की है, लेकिन कंट्रोलिंग सारी निदेशालय से है। 1,050 किसानों में से हमने 54 किसानों का को सिलेक्ट करना है। पहले ऑफलाइन में क्या होता था कि एक ड्रम होता था, उसके अंदर पर्ची डालते थे, 1,050 पर्ची बहुत ज़्यादा हो जाती थी। कोई राम फल की पर्ची का चाहे कोई रामधन की घुसगी, कोई चार घुसगी, वो बेचारा राम फल के सारे वो घूमते रहे। तो इसके लिए जो ना पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन सिस्टम में ये है कि सबके नाम कंप्यूटर पर अलग अलग दिखाई देंगे। एक उसमें ऑफलाइन में एक और होता था कि जितने हमने जैसे ट्रैक्टर देने हैं 54, हम केवल 54 पर्ची निकाल लेंगे उसमें, बाकियों को ड्रम में छोड़ देते थे। उसमें किसान भाई को ये लगता था कि मेरी पर्ची तो इसमें डालिए नहीं। इसमें क्या है कि इसमें ऑनलाइन में क्या है कि हमें 54 नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम 1 से लेकर 1,050 सिलेक्ट करेंगे। इसमें पूरे पूरे जो फाइनल लिस्ट के अंदर ऊपर ले 54 आओगे, उनके डॉक्यूमेंट जो इन किसानों ने यहाँ लगाए हैं, वे डॉक्यूमेंट्स हमारे कार्यालय में ओरिजिनल वेरिफिकेशन करेंगे 1 हफ्ते के अंदर। अगर तो सभी की लिस्ट जो है ना, जो सिलेक्शन की लिस्ट लगेगी वो 1,000 से लेकर 1,050 तक की बार चिपका कर दी जाएगी। भिवानी जिला में पंचायत घर जो बना हुआ है, उस पंचायत घर में हमारा पूरे जिले का अनुसूचित जाति के किसानों के लिए ट्रैक्टर को एक ड्रा निकाला गया है। इसमें हमारे जिले को 54 ट्रैक्टर का टारगेट दिया हुआ था, और हमारे जिला से अनुसूचित जाति के किसानों ने सरल पोर्टल पर लगभग 1,050 किसानों ने अप्लाई किया था, और पंजीकरण होने के बाद वो हमारा सीधा डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे उनके नामों की लिस्ट चली गई, और उसके बाद हमारे को टारगेट मिला 54 का। और आज हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल जी के शुभ हाथों से आज यहाँ ये ड्रा करवाया गया, और ड्रा का सिस्टम था ऑनलाइन, ये ऑनलाइन ड्रा था। पहले पुराने टाइम में जो हमारा एक मैनुअल तरीका था उसको छोड़कर, क्योंकि उसमें लोगों को ये शक हो जाता था कि कहीं ना कहीं किसी के साथ भेदभाव किया गया है, तो सरकार ने ये ऑनलाइन का सिस्टम बना दिया, जो कि हमारे निदेशालय पंचकुला से लगातार मतलब संपर्क में रहते हैं, उन्हीं के द्वारा ये चलाया जाता है।
और यहाँ सिर्फ ओटीपी आता, ओटीपी इसमें भरकर वेबसाइट पे और उसका ड्रा किया गया और मंत्री जी के हाथों से करवाया गया। उसमें हमारे 54 किसानों का जो नाम आया उनकी आगे की प्रक्रिया की जाएगी और उनको 3 लाख रुपए तक का एक किसान को अनुदान दिया जाएगा एक ट्रैक्टर पे, और ट्रैक्टर की शर्त यह कि 35 हॉर्स पावर से ऊपर होना चाहिए। और अब ये जो 54 किसान हैं इनके कागजात जमा कराए जाएंगे, इनका वेरिफिकेशन किया जाएगा टाइम पे और उनको फिर ट्रैक्टर खरीदने के लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसके बाद उनके खातों में। राजेश कुमार जी, क्या कहेंगे आप? ट्रैक्टर निकले है जी, सरकार ने बहुत बहुत बढ़िया स्कीम चला रखी है, इससे हमारा गुजारा हो जाएगा जी, खेती बाड़ी कर लेंगे, मोल भाव पर चला लेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का जी ये ट्रैक्टर निकालने पर। मेरा नाम वीर सिंह है जी, मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सिपर गांव से हूँ और बवानीखेड़ा हल्का है जी हमारा। जो सरकार ने ये 3 लाख के अनुदान वाले ट्रैक्टर की स्कीम निकाली है, बहुत ही पारदर्शिता तरीके से निकाली गई है, कंप्यूटर द्वारा इसे निकाला गया है। पहले जो ड्रामों द्वारा निकालते थे उसमें लोगों को धोखाधड़ी का अंदेशा रहता था, अब ये बिल्कुल पारदर्शी तरीके से निकाला है। हम मनोहर लाल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और कृषि मंत्री जेपी दलाल जी का भी धन्यवाद करते हैं, जो इस अनुदान राशि से हमारे को बहुत सहयोग होगा, हमारे घर परिवार में कमाई में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, इससे हमारे को बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है। 3 लाख रुपये की अनुदान राशि मिलनी है जी हमें, ट्रैक्टर 3 लाख रुपये सस्ता मिलेगा जी, हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जिले के गांव गुजरानी के निकट बीते 24 दिसंबर 2022 को सड़क दुर्घटना में घायल मनीराम निवासी गुजरानी, जिसका अचेत अवस्था में लगातार रहने के कारण पीजीआई रोहतक में उपचार चल रहा था, लेकिन परिजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुरी तरह से घायल व्यक्ति की आज उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। वहीं पुलिस के जाँच अधिकारी सीताराम ने मामले का मुकदमा दर्ज करते हुए अपनी जाँच आरम्भ कर दी है। भिवानी के गांव गुजरानी के निकट 24 दिसंबर 2022 को एक मोटरसाइकिल की टक्कर लगने से घायल राहगीर मनीराम को उसकी गंभीर हालत देखते हुए पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया था, जहां लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। कुछ ही दिन पहले गांव वाले उन्हें गांव लेकर के आए थे, क्योंकि मनीराम एक्सीडेंट के बाद कोमा में था, जिसे होश नहीं आ रहा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और इस मामले में पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू की। जाँच अधिकारी सीताराम ने बताया कि 24 दिसंबर 2022 को मनीराम पुत्र दुलीचंद गुजरानी निवासी सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। घायल को इलाज के हॉस्पिटल लाया गया, जहां लंबे समय से उसका इलाज चला और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। ये 24/12/2022 को एक्सीडेंट हुआ था, एक जो ये मनीराम है कोमा में था, इसको जीएच भिवानी से पीजीआई रेफर था, इसकी घराली बबली देवी पर के बयान पर पर्चा दर्ज हुआ था, जो पर्चा दर्ज होने के बाद ये 7/1 को पीजीआई से छुट्टी मिल गई थी इसको, और ये अनबोल था, कोमा में था, जो उसकी कल मौत होगी मेरे पास डेड बॉडी को आया था जी। एक्सीडेंट कहाँ घटना घटी? ये गुजरानी में मोटरसाइकिल के साथ एक्सीडेंट हो रहा, पैदल आ रहा था, इसकी एक्सीडेंट हो गया था, इसका ये एडमिट हो गया था जीएच भिवानी से रोहतक का, रोहतक में इसका इलाज चल रहा था, वहां से फिर छुट्टी दे दी डॉक्टर साहब ने। उस टाइम भी ये कोमा में था, बोल नहीं रहा था, जो कल इसकी मृत्यु होगी, जो कार्रवाई खुद होती कार्रवाई लाई जा रही है। मुकदमा दर्ज 28/12 को मुकदमा दर्ज हो चुका इसके, इसकी घराली के बयान पर, बबली के देवी पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश में करवाई जा रही नकल रहित वार्षिक परीक्षाओं को लेकर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा स्थानीय टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोर्ड अध्यक्ष डॉ वीपी यादव, डीईओ रामोतार शर्मा, एसोसिएशन के प्रधान रामोतार शर्मा व विद्यालय प्राचार्य डॉ डीपी कौशिक के द्वारा नकल रहित परीक्षा कराने के लिए अध्यापकों को शपथ दिलाई। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा प्रदेश के हर ब्लॉक पर नकल उन्मूलन अभियान के तहत शपथ समारोह का आयोजन किया गया। जिला भिवानी में यह कार्यक्रम टीआईटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया गया, जिसमें नगर के सभी प्राइवेट स्कूल्स के अध्यापकों व प्राचार्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ वीपी यादव पहुँचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी रामावतार शर्मा द्वारा की गई। सबसे पहले सभी अतिथियों का स्वागत प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान रामावतार शर्मा व टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य डॉ डीपी कौशिक ने पुष्प गुच्छ देकर किया। इसके बाद चेयरमैन द्वारा सभी उपस्थित शिक्षाविदों को यह शपथ दिलवाई गई कि नकल रूपी राक्षस को हमें जड़ से उखाड़ फेंकना है। विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए सभी को
परिश्रम के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस बार नकल रोकने के लिए हमने प्रत्येक पृष्ठ पर QR कोड लगाया है, जिसके चलते पेपर लीक होने की स्थिति में यह पता लग सकता है कि पेपर कहां से लीक हुआ है। इसके अलावा भी सुरक्षा के गोपनीय कदम उठाए गए हैं। ऐसे में हम सभी की भूमिका बनती है कि नकल पर पूरी तरह से लगाम लगाई जाए। इस अवसर पर बोलते हुए जिला शिक्षा अधिकारी श्री रामोत्तम शर्मा ने कहा कि नकल रहित परीक्षाओं के लिए उठाए गए कदमों की भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्होंने बताया कि इस बार प्रत्येक पेपर पर जो कोड लगा है उसके माध्यम से नकल पर काफी लगाम लग भी जाएगी। स्वागत, हमेशा से उनकी गाइडेंस, जब से वो चेयरमैन बने हैं और पहले जब जी से कि वे जिला शिक्षा अधिकारी श्री रामोत्तम शर्मा जी को भी बुके देकर उनका इस प्रांगण में स्वागत करें। बहुत हरियाणा प्रदेश की टीम, जिला भिवानी की टीम आज इस नकल उन्मूलन शपथ ग्रहण समारोह में हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की यशस्वी अध्यक्ष, एनर्जेटिक अध्यक्ष, जिन्होंने वाइस चेयरमैन रहते हुए भी बहुत सारे बदलाव इस बोर्ड में, चेयरमैन साहब कलम इनके हाथ में है, तो प्राइवेट स्कूलों के हितों के लिए और सरकारी स्कूलों के हितों के लिए हम शपथ लेते हैं कि नकल रूपी राक्षस को जड़ से खत्म करने में पूरा सहयोग करेंगे, न नकल करवाएंगे और न करने देंगे। विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें परिश्रम के मार्ग पर चलने का संदेश देंगे। हमें इस बात का भान है कि नकल रहे जीवन है। जब एक एक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अपना पूरा अभियान चलाया हुआ है और मैं समझता हूँ कि जब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घटक जब इस तरह की शपथ लेता है तो कहीं ना कहीं एक दृढ़ संकल्प भी वो साथ में लेता है कि मुझे नकल को हर तरह से, हर रूप में रोकना है। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह के जो कार्यक्रम है बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। प्राइवेट स्कूल, देखिए प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, इस तरह के जो नकल को रोकने का कार्यक्रम तो सभी कर रहे हैं और सभी का प्रयास है। उन्होंने आयोजन नहीं किया, लेकिन मुझे इस बात का पूरी तरह से जानकारी है इस बात की कि वो भी अपने स्तर पर पूरी तरह से लगे हुए हैं कि हमें नकल को रोकना है। तो इस तरह से सरकारी स्कूलों में इस तरह के कार्यक्रम उन्होंने विद्यालय स्तर पर करवाए हैं। सर, हर बार प्रयास किया जाता है नकल रोकने के लिए, लेकिन क्या मानते कि ये इस बार भी ये चुनौती रहने वाली और कितने पार आएंगे? नकल के प्रयास किए जाते हैं और नकल पर रोक भी लगी है, पहले से बहुत कम हो चुकी है और हम कस तक पिछले बार ही 90% हमने रोक लगा दी थी और इस बार तो हमारा ये पूरा प्रयास है कि 100% नकल पर रोक लग जाएगी। और इसके लिए हमने पुख्ता केंद्र के बाहर भी, जैसे पुलिस का बहुत पुख्ता इंतजाम रहेगा, धारा 144 लग चुकी है, और सेंटर के अंदर भी जब आप देखेंगे तो प्रश्न पत्र हाथ में आएगा तो उस पत्र के अंदर सारे सिक्योरिटी कोड्स हैं, QR कोड है और साथ में 6-digit अल्फा न्यूमेरिक कोड है और कुछ हिडन फीचर्स हैं, सिक्योरिटी फीचर्स हैं, अगर कोई इसको वायरल करने की कोशिश करेगा तो झट पकड़ा जाएगा। तो इस तरह से जब क्वेश्चन पेपर बाहर आता है तो ही नकल शुरू होती है। तो इस बार हमने ये पूरा प्रयास किया है कि सिक्योरिटी फीचर्स के जरिए कि क्वेश्चन पेपर किसी तरह से भी बाहर नहीं आए। जब वो क्वेश्चन पेपर लीक हो जाएगा और क्वेश्चन पेपर से हम बता पाएंगे कि वो किस सेंटर से लीक हुआ है और किस विद्यार्थी का वो प्रश्न पत्र था, तो इस तरह से ही जो इन्विजिलेटर है और सेंटर सुपरिटेंडेंट वो जिम्मेवार होगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर साहब, 5 जिलों में इस बार CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, 250 जो परिपानी में रहेंगे। जी बिल्कुल, जैसे नूह है, पलवल है, दादरी है, सोनीपत है और भी, हाँ, रोहतक है, तो ये सब जिले हैं, इनके अंदर सारे सेंसिटिव सेंटर्स जो है हमारे कैमरा की निगरानी में सीधे हैं, नजर बनी हुई है और एक एक हमारा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर हमने
हेडक्वार्टर में एस्टेब्लिश किए, उसके अलावा 6 जगह हमने अपने कंट्रोल रूम्स और एस्टेब्लिश किए हैं। पल पल की खबर हमें रहेगी। बोर्ड अध्यक्ष की क्या अपील आम जनता से, अभिभावकों से, अध्यापकों से और साथ ही साथ उन विद्यार्थियों से रहेगी? मैं तो ये कहूंगा कि इन सबको कहेंगे कि एक ही अपील है मेरी कि नकल से दूर रहें और इस बात को ध्यान में रखें कि नकल बनाए जीवन नकली, नकल रहित जीवन है असली। अगर सफल होना है जीवन के अंदर तो नकल रहित जीवन जीने का प्रयास करें। शिक्षा बोर्ड का फार्मूला यदि सफल हो जाता है सर, देश का पहला बोर्ड साबित होगा, ऐसा भरोसा विश्वास है? बिल्कुल 100%, और हम इसको कामयाब बनाएंगे। बिल्कुल पूरे प्रदेश को नकल मूलमन से एकदम साफ और सुथरा प्रशासन देंगे। अवतार जी, देखो प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन पूरे हरियाणा प्रांत में आज हर ब्लॉक में, हर स्कूल में, भिवानी में तो बोर्ड का मुख्यालय है, इसलिए आदरणीय चेयरमैन साहब को हमने आज शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया है। बाकी पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे स्कूल संचालक, स्कूल प्रबंधक अपने बच्चों सहित शपथ लेंगे कि नकल को जड़ से खत्म करने का बीड़ा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने, क्योंकि हमारा बच्चा पढ़ता है। प्राइवेट स्कूल हमेशा क्वालिटी एजुकेशन देने का काम करता है, हमारे रिजल्ट अव्वल रहते हैं, और जब नकल होती है तो सेंटरों में डिस्टरबेंस होती है। और प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन और हमारे उनसे जुड़े हुए सभी स्कूल संचालक ये चाहते हैं कि सेंटर में पूरी तरह से शांति रहे और किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना रहे, ताकि बच्चा अपना पेपर पूरी तरह से अच्छे तरीके से कर पाए। सबसे ज्यादा सवाल प्राइवेट स्कूलों पर ही उठते जहां पर सेंटर बनते, तो क्या हम मानते कि इस बार वो दाग खुलेगा? नहीं, वो सवाल गलत उठते हैं। प्राइवेट स्कूलों के सेंटर बनते हैं वहां ड्यूटी गवर्नमेंट टीचर्स की होती थी पहले, और अब की बार जहां प्राइवेट स्कूल सेंटर बने वहां टीचर हमारे ही हैं। अब की बार देखना आप, अगर 1% भी नकल अगर प्राइवेट स्कूलों में कहीं हो जाए, एक भी अगर कोई ऐसा केस आपके संज्ञान में आता है तो आप हमें बताएं, तो उस स्कूल को हम पनिशमेंट भी देंगे। और इस प्रकार की व्यवस्था हम करे हैं कि पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई भी बच्चा नकल ना कर पाए, प्राइवेट स्कूलों में खासकर। सर पूरी तरह से तैयार है, हमने पीछे जो फ्राइडे है उसमें सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट की और सुपरिटेंडेंट इन चीफ की मीटिंग भी ली थी, और हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि नकल रहित परीक्षाएं सुचिता से पूर्ण हों। और क्योंकि 78 सेंटर हैं हमारे भिवानी जिले के अंदर, प्रयास ये रहेगा कि हमारा रिजल्ट चाहे डाउन आ जाए लेकिन परीक्षाएं सुचिता से हों, ये हमारा प्रयास रहेगा। विभाग की तरफ से निसंदेह जो QR कोड लगाया है बोर्ड ने, उसका फायदा मिलेगा। पेपर जो आउट होते थे पहले, इस बात का पता ही नहीं लगता था कि किस सेंटर से पेपर आउट हुआ है किसी दूसरे ज़िले में, और जो कार्रवाई है वो दूसरे ज़िले में हो रही है। तो अब यहाँ QR कोड से ये पता लग जाएगा किस सेंटर से, किस स्टूडेंट से पेपर लीक हुआ है। तो ये बोर्ड का सराहनीय कदम है, इसके कारण निसंदेह नकल पर अंकुश लगने में महत्वपूर्ण जो है इसका भूमिका रहेगी। परीक्षा ड्यूटी को हमने हिदायतें ये दी हैं कि परीक्षाएँ सुचिता से करवानी है, और इसके बावजूद भी कोई अध्यापक जो है नकल में अगर इंडल्ज पाया गया तो भिवानी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय कोई देर नहीं करेगा ऐसे अध्यापकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए मामला भेजने के लिए। आज की खबरों में बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।